एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द सीरीज। इस बोर्ड में हमने मुंबई के अलग अलग स्टेशन के नाम लिखी हुई चिट्स बना के रखी है। इसमें से रैंडमली एक चिट पिक करेंगे, उस स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि कहाँ घूमने जा सकते हैं। लेट्स डू इट। एक विले पार्ले, वी हैव विले पार्ले, चलें। लेट्स गो। इस वीडियो में मुंबईकर्स डिसाइड करेंगे आज हम क्या करेंगे विले पार्ले में। सो बेसिकली दिस वीडियो इज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड, अनप्लान्ड एंड जस्ट प्योर एडवेंचर। चर्चगेट से लोकल लेके हम पहुंच गए विले पार्ले। विले पार्ले आते ही हम समझ गए थे कि यहाँ एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा प्लेन्स बहुत दिखने वाले हैं, क्योंकि विले पार्ले में बहुत सारी कॉलेजेस हैं और मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स भी यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ घूमने या खाने जा सकते हैं? खाने के लिए मैं करंटली सजेस्ट करूँगा जू के वाई खाऊ गली टाइप है, एंड कैफेज वगैरह देखने जाए तो बोरा बोरा सी फेसिंग कैफे। एक जगह पिक करनी हो तो आई वुड से बोरा बोरा, क्योंकि मैं यहाँ करंटली जाके आया हूँ, बहुत अच्छा। विले पार्ले स्टेशन से ऑटो ले ली हमने बोरा बोरा कैफे जाने के लिए। अभी हम लोग विले पार्ले स्टेशन से बोरा बोरा कैफे आए हैं। बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है यहाँ पे, तो हम लोग को ऑटो लेके ही आना पड़ा, एंड हम लोग वी रीच्ड बोरा बोरा। जुहू चौपाटी के एकदम सामने ही है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आने वाला है जुहू चौपाटी का। होपफुली बोरा बोरा कैफे जुहू बीच के एकदम सामने ही था, तो हमने एक ऐसा टेबल पिक कर लिया जिससे हम बीच का व्यू एंजॉय कर सके। इस कैफे में एक बार भी है जिसके लिए एक अलग एरिया भी था, एंड द इंटीरियर ऑफ दिस प्लेस वॉज अमेजिंग। तो अभी हम लोगों ने स्टीम राइस एंड थाई करी ऑर्डर किया है, ग्रीन थाई करी। इसके ना फ्लेवर्स बहुत अलग है, लाइक इट्स नॉट इंडियन, जो हम लोग फ्लेवर्स यूज करते हैं वैसे फ्लेवर्स नहीं है। आई लाइक इट, इट्स माइल्ड, इट्स नॉट स्पाइसी, बट इट्स वेरी फ्लेवरफुल। वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। I don't even know what vegetables they are. बोरा बोरा पे खाना खाया हम लोगों ने, अभी लंच किया, एंड इंटीरियर बहुत अच्छा था वहाँ का, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, ये जुहू बीच का ही दिख रहा था। फूड वाज आल्सो नाइस, थाई करी ली थी हम लोगों ने, एंड वी ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम थाई करी। या वहाँ पे अभी कोई था नहीं, सो वी कुडंट आस्क एनीवन, सो नाउ वी आर होपिंग कि जो बीच पे कोई मिल जाए हम लोग को जो सजेस्ट कर पाए कोई नेक्स्ट जगह। या व्हाट डू यू थिंक? हां, जो बीच चलते हैं। जुहू बीच और यहाँ की चौपाटी मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की चौपाटी की पाव भाजी, पानी पूरी, चाट, आइस गोला लोकल्स और टूरिस्ट दोनों में बहुत फेमस है। खाने की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने जस्ट खाना खाया था तो हम नहीं ट्राई कर पाए यहाँ पर कुछ भी। वीकडे था और दोपहर का टाइम था, फिर भी बीच काफ़ी लाइवली था, पर इस टाइम पर सिर्फ टूरिस्ट ही थे। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बोट राइड्स हो रही थी और बाकी वाटर एक्टिविटीज जैसे जेट्स की, बोटिंग भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे पास में घूमने की कौन सी जगह है? यहाँ पे पास में अमिताभ बच्चन जी का घर है, ये जलसा। हाँ, और जो चौपाटी के बीच में बोले तो आधा किलोमीटर है, एक मिनट की रास्ता है भाई।
अच्छा, और घूमने का कुछ आपको पता हो तो? हाँ, ये बाजू में इधर एक नया घर और है, अमिताभ बच्चन जी का घर है। अच्छा, दो घर हैं। अमिताभ बच्चन के फैन लगते हो? हाँ, मैं अमिताभ बच्चन का फ्रेंड हूँ, उसके मिलने दिल्ली से ऑटो चलाने आए उधर। अच्छा, अमिताभ बच्चन से और सलमान खान से। अच्छा, तो सलमान खान से बोले तो सलमान खान उधर रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा बैंड स्टैंड के पास, उधर ही शाहरुख खान जी का घर है। अच्छा, मुंबई बढ़िया घूमने की जगह भाई। हम लोग जुहू बीच पे घूम रहे थे एंड वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पूछा, मोस्टली जो भी वहाँ पे थे ना वो सारे टूरिस्ट ही थे इस टाइम पे। एंड जो एक दो लोगों ने हमें बोला भी कि सजेस्ट करते हैं हम लोग प्लेस, वो उन लोगों को कैमरा के सामने नहीं आना था, तो दे सजेस्टेड अस कि मीठीबाई कॉलेज के सामने आनंद स्टॉल है, वहाँ पे चले जाओ। सो अभी हम लोग यहाँ पर है एंड वी आर गोइंग टू ट्राई वड़ा पाव, यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ का वड़ा पाव। फिर आगे यहाँ पे लोगों को पूछते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। लेट्स गो। आनंद वड़ा पाव मुंबई के टॉप 10 वड़ा पाव प्लेस में से एक है, साथ में यहाँ की सैंडविचेस, डोसा और जूसेस भी काफ़ी पॉपुलर है। वी ट्राइड इनका वड़ा पाव एंड इट वॉज गुड, बट हमने मुंबई में इससे बेटर वड़ा पाव खाया हुआ है एंड वी फील दिस प्लेस इज लिटिल ओवर हाइप्ड। घूमने के लिए तो लोकल प्लेस तो जूहू चौपाटी है जो कि बहुत फेमस है। अच्छा, और जो स्टूडेंट के लिए या कपल के लिए है तो बहुत फेमस है। अच्छा, इसके लिए उसके बाजू में अगर गॉड के लिए भी जाना है तो ये अपना जी ये हरे कृष्णा मंदिर है, वहाँ भी घूम सकते हैं। कौन सा? हरे कृष्णा मंदिर? हरे कृष्णा मंदिर है, वहाँ पे जाके शांत कर सकते हैं मन को अगर कुछ है तो ऐसा। अच्छा, वो शाम के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद अगर जाएंगे तो बांद्रा शिलिंग है, वहाँ भी बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ भी घूम सकते हैं। नाइट ट्रिप तो है ये, हम लोग जू बीच तो जाके आए अभी, तो आपने दूसरा कौन सा? हरे कृष्णा मंदिर। हरे कृष्णा मंदिर है। अगर आपने हमारा वृंदावन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जुहू का इस्कॉन मंदिर उससे कितना सिमिलर है। इस्कॉन मंदिर का एनवायरनमेंट काफी अलग होता है बाकी मंदिर से। यहाँ पर एक फूड एरिया भी है जहाँ पर केक्स, रोल्स, स्नैक्स, स्वीट्स मिलते हैं। सो दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे मंदिर में एंड वहाँ पे पूछा था एक दो लोगों से, सो दे सजेस्टेड कि यहाँ पे एक सिल्वर बीच करके है पास में, वी शुड गो देयर। सो हम लोग वहीं जा रहे हैं, बट वी हैव एन आइडिया। हम लोगों ने सोचा कि अभी बीच जा रहे हैं एंड सनसेट का टाइम है, तो हम लोगों ने ना ऐसे छोटे छोटे कैनवस ले लिए हैं, दो कैनवस लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू पेंट सनसेट। लेट्स गो। आई वांट टू विन। कॉम्पिटिशन नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे पता है मैं हार जाऊंगी। पहुंचते ही हमने चटाई ले ली और लग गए अपनी पेंटिंग बनाने में। वी वुड रेकमेंड अगर आपने जुहू बीच देख लिया हो तो एक बार ये वाले सिल्वर बीच पे भी जाए, इस बीच पर बहुत शांति थी कंपेयर टू जुहू बीच। व्हिच इज बेटर?
चीटिंग है, बोट अलाउड नहीं था, कोई रूल नहीं था, बोट नहीं बनानी थी, सिर्फ सनसेट की बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। I clearly win. सिल्वर बीच पे सनसेट एंजॉय करते करते सनसेट ड्रॉ करके अब वापस निकले हैं हम लोगों ने ये वाली पेंटिंग्स की, ये मेरी है और ये इसकी है। यू हैव टू ड्रॉप अ पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो, और ग्रीन इफ यू लाइक दिस वन। पर्पल ड्रॉप करना बिकॉज ऑब्वियसली मेरी बेटर है। चलो ये वीडियो यही एंड करते हैं एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, give it a thumbs up and join our journey by subscribing the channel. Milte hain next video mein, tab tak ke liye bye bye.